गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स। आगे हम जो हमारे पास में चैप्टर नंबर सिक्स चल रहा है, इसके हम सबसे पहले एक्सरसाइज करना स्टार्ट करेंगे, जिसमें आज हम सबसे पहले करेंगे टिक द करेक्ट ऑप्शंस। सही है ना। अल प्योर सब्सटेंसेस इसमें दे रखा है, जो हमारे पास में सभी के सभी प्योर सब्सटेंस होते हैं, हैव अ गुड टेस्ट, अच्छा टेस्ट होता है, ये भी सही है, लेकिन अभी हम इसको टिक नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास में जितना ज़्यादा प्योर सब्सटेंस होगा वो उसका टेस्ट भी अच्छा होगा, लेकिन अभी हमें इसमें टेस्ट से मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे पास सब्सटेंस तो कोई भी हो सकता है, हम खाने की बात नहीं कर रहे हैं अभी। आर गुड फॉर हेल्थ, हेल्थ के लिए भी अच्छा हो सकता है, सही है, हेल्थ के लिए अच्छा होगा, लेकिन उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्योंकि अभी हम खाने की बात नहीं कर रहे हैं तो इसको भी टिक नहीं करेंगे, अभी हम इसको भी क्रॉस करिए। आर मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो हमारे पास में प्योर सब्सटेंस होते हैं वो हमारे पास में एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल से बन के मिले होते हैं। हाँ, यही हमारे पास में ऑप्शन क्या है, सही है, ऑप्शन नंबर सी, आर मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये हमारे पास में पहले का करेक्ट आंसर है। आर मेड अप ऑफ टू और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट, इसमें कह रहा है कि जो हमारे पास में प्योर सब्सटेंस होते हैं वो हमारे पास में डिफरेंट काइंड के एलिमेंट से मिलके बने होते हैं। नहीं, अगर हमारे पास में एक से ज्यादा एलिमेंट्स मिल जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, इम्प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंस होते हैं वो हमारे पास में आर मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि वो सिर्फ एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं, तो इसमें हमारे पास आंसर कौन सा हो गया, आंसर नंबर सी। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अ प्योर सब्सटेंस इज समटाइम्स डेट इज सेफ टू ईट, खाने के लिए अच्छे होते हैं, खाने की बात तो अभी हम कर ही नहीं रहे, इन विच ऑल द मॉलिक्यूल्स आर सिमिलर वन, जो हमारे पास में सभी के सभी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं। हाँ, बिल्कुल सही है, डेट इज ए मिक्सचर ऑफ ओनली एलिमेंट्स, ये हमारे पास में एक ही प्रकार के एलिमेंट्स का मिक्सचर होता है। आर स्मेल्स गुड, सी, यानी कि हमारे पास में जो इसमें ये रखा है, डेट इज ए मिक्सचर ऑफ ओनली एलिमेंट्स, डेट इज ए मिक्सचर ऑफ ओनली एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स हैं उनका मिक्सचर होता है, इन विच ऑल द मॉलिक्यूल्स आर सिमिलर टू वन, जिनके सभी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। हाँ, ये हम बी आई थिंक करेक्ट कर सकते हैं, जो बी वाला ऑप्शन है, इन विच ऑल द मॉलिक्यूल्स आर सिमिलर टू वन, एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं। ओके, और ये है डेट इज द मिक्सचर ऑफ ओनली एलिमेंट्स, यानी कि डी भी हो सकता है, लेकिन अभी हम जो इस पर हाल फिलहाल लगाएंगे आंसर वो होगा हमारे पास में बी, यानी कि इन विच ऑल द मॉलिक्यूल्स आर सिमिलर टू वन, बी वाला क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आंसर आएगा अभी बी वाला, इन विच ऑल द मॉलिक्यूल्स आर सिमिलर टू वन। अभी इसमें आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं एक दिन आपको इन सभी की टिक करके वीडियो वो सॉरी मतलब पिक्स आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है ना। हमारे पास में है, वी कैन सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ सुगर एंड सैंड बाई, किस प्रोसेस से शुगर और सैंड को हम किस प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, तो इसके लिए हमारे पास में जो आंसर आएगा वो आएगा डी वाला, विनोइंग एंड सिविंग, विनोइंग एंड सिविंग, क्वेश्चन नंबर थर्ड का डी। दिस मेथड ऑफ सेपरेशन इज वेरी यूजफुल इन क्लीनिंग अ रिवर टू मेक अ सुइटेबल फॉर ड्रिंकिंग, ये हमारे पास में मतलब जो रिवर से हमें वाटर मिलता है हम उसको ड्रिंकिंग पर्पज के लिए किस मेथड से यूज कर सकते हैं, तो वो है हमारे पास फिल्ट्रेशन, यानी कि फोर्थ का सी। ए मिक्सचर ऑफ सैंड एंड आयरन फिलिंग इज बेस्ट सेपरेटेड बाय, इसका हमारे पास में आता है कि हमारे पास आयरन और सैंड का जो मिक्सचर है उसको हम किससे सेपरेट कर सकते हैं, वो है मैग्नेटिक सेपरेशन से सेपरेट कर सकते हैं, यानी कि फिफ्थ का सी। अब आते हैं हमारे पास फ्लिंडा ब्लेंस पे, देखिए स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास में फ्लिंडा ब्लेंस सॉलिड इज ए मिक्सचर ऑफ, ये मेरे को एक्चुअली समझ में नहीं आया कि इसमें क्या होता है, क्योंकि हमारे पास सॉलिड है उसमें तो हमारे पास स्टोन्स भी होते हैं, आयरन पीसेस भी होते हैं और कई सारे बैक्टीरिया भी होते हैं, लिविंग नॉन लिविंग बैक्टीरिया भी होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, तो इसको अभी मैं बाद में डिस्कस करूंगा, पहले हम सेकेंड से स्टार्ट करते हैं। कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ एवोपोरेशन, इसमें आएगा एवोपोरेशन, ए सॉलिड सब्सटेंस विच ऑन हीटिंग डायरेक्टली चेंज इंटू गैसियस गैसियस फॉर्म इज कॉल्ड सब्लीमेशन, ये आता है सब्लीमेशन। इसमें हमारे पास में जो सॉलिड स्टेट है वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होते हैं, डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होके एस्केप हो जाते हैं, यानी कि गैस में बदल के उड़ जाते हैं।
फिर आता है हमारे पास में फोर्थ वाला, इफ इफ वी पास अ डायरेक्टली लिक्विड थ्रू अ फिल्टर पेपर दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। अगर हम किसी भी डर्टी वाटर को किसी फिल्टर से पास कराएंगे तो इसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन, FILTRATION, फिल्ट्रेशन। दिस प्रोसेस दैट कैन बी यूज टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर इज मैग्नेटिक सेपरेशन, MAGNETIC, मैग्नेटिक सेपरेशन। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। उसके बाद में हमारे पास में ट्रू फॉल्स एंड मैच द कॉलम्स एंड क्वेश्चन आंसर वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।